हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये मैथमेटिक्स का लेक्चर है और मैथमेटिक्स में हम जानेंगे वो टाइम एंड डिस्टेंस के हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो टाइम एंड डिस्टेंस का ये अगला लेक्चर है एक प्रकार से। यहाँ पे हम बताएंगे आपको किस प्रकार से जो है टाइम एंड डिस्टेंस के आप क्वेश्चन इजिली आपके अपने एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, कह रहे हैं एक चोर जो है अपराहन, मतलब एक चोर है जो अपराहन मतलब दोपहर के बाद, अपराहन का मतलब होता है दोपहर के बाद, दोपहर या दोपहर 12 बजे के बाद से लेकर के रात के 12 बजे के पहले तक समय, और पूर्वाह्न का मतलब होता है रात के 12 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे के पहले समय तक जो होता है पूर्वाह्न बोलते हैं। 2:30 बजे चोर जो है चोर चुरा करके कोई मतलब गाड़ी है उसको चुरा करके 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चाल से भागता है। चोर को अपराहन 3 बजे देखा जाता है कि कार जो का मालिक, चोर का जो मालिक होता है उसमें डिवाइस फिट किए है और उसको पता चलता है कि वो 3 बजे जो है चोर जो है वो भाग, मतलब 3 बजे उसको पता चलता है कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई है। तब उसको पकड़ने के लिए वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है किसी चाल को मतलब किसी को पकड़ने के लिए चलता है। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे वो 75 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो कह रहे हैं कि एक यहाँ पे चोर है, ए पॉइंट पे कोई चोर है और बी पॉइंट पे ये, अब देखिए ये चोर जो है यहाँ से भागना स्टार्ट किया होगा और भागते भागते ये कहाँ पे पहुंच गया, 3 बजे ये जो है पहुंच गया यहाँ पे। अब ये 2:30 बजे यहाँ से भागा था, कितना भागा था, 2:30 बजे 2:30 मिनट पे भागा था। अब ये दूरी कुछ भी हो सकती है, आगे कहीं भी जा सकता है, हमें नहीं पता। अब ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भाग रहा था, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चोर जो है भाग रहा था। अब जो मालिक था वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अब भागना स्टार्ट किया। अब चोर ने कितनी स्पीड दूरी तय कर ली होगी, आधा घंटा ये इससे ज्यादा भाग गया, आधे घंटे में चोर ने 30 किलोमीटर दूरी ज्यादा तय कर ली होगी। कितनी तय कर ली होगी, 30 किलोमीटर ज्यादा तय कर ली। अब ये जो मालिक है ये केवल 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ले, अगर जो 30 किलोमीटर इससे ज्यादा दूरी तय कर ले तो इसको पकड़ लेगा। मालिक की 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी और चोर की जो थी 60 थी, तो इसकी जो ज्यादा चाल आएगी 75 में से 60 घटा देंगे, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, एक घंटे में 15 किलोमीटर मालिक ज्यादा चला जाता है। मालिक 3 बजे भागना स्टार्ट करेगा, तो 3 बजे जब मालिक यहां से भागना स्टार्ट करेगा, इसको यहां पे नहीं लिखेंगे, यहां लिख देंगे यहां, ठीक है, यहां से ही दोनों की जोड़ेगी। अब देखिए मालिक जो है 3 बजे भागना स्टार्ट जब करेगा तो 3 बजे उसकी चाल कितनी होगी ज्यादा, मतलब 15 के हिसाब से अगर जो 30 किलोमीटर उसकी दूरी ज्यादा तय करनी हो तो 15 का 2 गुना 30 मतलब 2 घंटे बाद, 3 बजे के बाद 2 घंटा जो और लगेगा उसको पूरा करने में, 2 घंटे बाद उसको पकड़ लेगा। तो अब यहाँ पे हमको 2 घंटे बाद क्या होता है, 3 बजे के बाद 2 घंटा कितना होता है, 5 बजे, 5 बजे जो है उसका सही आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं था, आपको केवल समय देखना था, समय देखना, आधा घंटा ज्यादा, आधा घंटा में इसने 60 किलोमीटर में से 30 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर ली होगी, कितनी, आधे घंटे में, एक घंटे में 60 किलोमीटर जाता है तो आधे घंटे में इसने 30 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय कर ली होगी, ठीक है। अब 30 किलोमीटर 15 से डिवाइड कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस 15 है, तो 15 का 2 गुना 30 और 2 से हम डिवाइड जोड़ देंगे इसमें 3 में, तो 2 जोड़ेंगे 3 में तो आ जाएगा 5, तो हमारा ये सही आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति जो है निश्चित दूरी को किसी निश्चित चाल से तय करने में जब तय करता है तो वो 3 किलोमीटर अधिक चाल से दूरी तय करे। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो निश्चित दूरी को, कोई भी दूरी है वो निश्चित है उसको तय करता है। अगर जो यहाँ पे कहा गया है कि अगर जो वो 3 किलोमीटर अधिक चाल से तय करे, 3 किलोमीटर अगर जो वो अपनी चाल बढ़ाए तो उसको 40 मिनट अधिक लगे, कम मिनट कम लगेगा। 3 किलोमीटर अगर जो वो बढ़ा देता है, जो उसकी निश्चित चाल है उससे 3 किलोमीटर बढ़ाता है तो उसको 40 मिनट कम समय लगता है। अगर जो 3 किलोमीटर कम चाल से चले, 3 किलोमीटर अगर जो अपनी मतलब सॉरी यहाँ पे 2 किलोमीटर दिखा है, 2 किलोमीटर अपनी चाल को घटा दे वो, तो घटाने के बाद उसको यहाँ पे 40 किलोमीटर 40 लिखा है, 40 मिनट अधिक लगेगा, तो 40 मिनट उसका समय बढ़ जाता है। तो आपको बताना है कि दूरी क्या है, बीच की दूरी क्या है,
क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, अगर जो आप एक बार लगाए होंगे ऐसे तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। यदि आप नहीं किए हैं तो मतलब एक बार जो है आपको टाइम लग सकता है। देखिए इसको करने का जो है हम करने का जो है पहले आपको बता देते हैं, दूरी बराबर चाल, दूरी बराबर चाल पहले जो उसकी चाल, पहले जो उसकी चाल थी वो थी x, अब उसकी चाल कितनी हो गई, अब उसकी चाल कितनी हो गई है x, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। पहले जो पहले जब उसने चाल बढ़ाई, जब उसने चाल बढ़ाई 3 किलोमीटर x प्लस 3, उसकी एक्चुअल चाल, उसकी एक्चुअल चाल x थी, तब उसका जो समय था, उसका जो समय था वो समय t था, समय t था, समय गया था t, समय गया था t माइनस 40 मिनट, मतलब 40 मिनट उसको कम लगा। अब जब उसने चाल जो है अपनी क्या किया है, अपनी क्या किया घटाया है, घटाया तो एक चीज यहां पे देखिए, एक चीज यहां पे देखिए, ये वाला जो है मतलब जब उसने अपनी मतलब चाल, जब उसने अपनी चाल बढ़ाया, चाल जो उसने चाल जो उसने बढ़ाया जो होगी उसकी जो होगी उसकी कुछ थी, मैंने स्पीड एस थी, और एस में जो है 3 किलोमीटर उसने चाल बढ़ाया, चाल तो बढ़ी गई, चाल तो बढ़ ही गई है, तो 40 मिनट कम लगता है, 40 मिनट कम लगा। अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे देखिए, जब उसने 3 किलोमीटर बढ़ाया था कम लगा, 40 मिनट कम लगा, और जब 3 किलोमीटर उसने, 3 किलोमीटर उसने जो चाल को क्या किया, चाल को क्या किया घटाया, मतलब 2 किलोमीटर घटाया, 2 किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर बढ़ाया, तो उसका जो है समय टी माइनस प्लस 40, मतलब 40 मिनट ज्यादा लगा, निश्चित चाल से जब चलता था तो उसको टी समय लगता। ये क्वेश्चन करने का, ये क्वेश्चन करने का। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, तीनों के द्वारा जो की गई है केवल समान दूरी, समान दूरी समय अलग अलग, समय अलग अलग दिया है, समान चाल, समान नहीं चाल है, इसलिए समय नहीं अलग है, अलग इसलिए समय अलग अलग है, तो हमें पता है, तो हमें पता दूरी है दूरी बराबर बटे चाल, दूरी बटे चाल, देखिए तो देखिए कि जिसकी चाल जितनी, चाल जितनी कम होगी उसका समय उतना ज्यादा होगा, समय बराबर बटे चाल, दूरी बटे चाल। T1 माइनस T2 कर देंगे, देखिए ये इस वाले चाल से इसको माइनस करेंगे तो हमें पता हो जाएगा कितना समय लगा, कितना समय लगा, तो यहाँ पे जो है 40 मिनट जो लगा, 40 मिनट लगा, 40 मिनट लगा, 40 मिनट, अब 40 मिनट पहले चाल माइनस, पहले चाल माइनस, समय बराबर जो समय बराबर दूरी बटे चाल, बराबर दूरी बटे चाल, बराबर दूरी बटे चाल, दूरी जो डी थी और चाल थी एक्स थी, पहले जो चाल थी, पहले जो चाल थी वो माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि चाल ज्यादा, क्योंकि चाल ज्यादा समय कम होगा, समय कम होगा, अपमान एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री, इसकी जो चाल ज्यादा है नीचे की इसका समय कम लगेगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल समय बताता है, वो समय बताता है, ठीक है, जो है समय, इसको जो है समय जो है टी लगा था, और यहाँ पे टी कितना था, यहाँ पे जो समय है, यहाँ पे जो समय है इसके, इसकी चाल माइनस करेंगे, चाल माइनस करेंगे तो इनका समय भी क्या होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस फोर्टी था, कितना था टी, कितना था टी माइनस फोर्टी, यहाँ पे टी माइनस, यहाँ पे टी माइनस फोर्टी था, देखिए ये माइनस, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हम तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसा ना करते हुए हम डायरेक्ट 40 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 40, क्या लिख देते हैं, 40 डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट जो है हम 40 लिख देंगे यहाँ, ठीक है। अब ठीक इसको, है इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो डी अपान कितना निकल के आएगा, डी इन दोनों में डी कॉमन, दोनों में डी कॉमन, यहाँ पे डी कॉमन, यहाँ पे डी कॉमन है, डी अपान एक्स, एक्स प्लस थ्री, प्लस में जो है इनमें जो है एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे डी कॉमन, यहाँ पे डी कॉमन है, इसके जब डिवाइड करते गिरेंगे तो यहाँ पे एक्स प्लस थ्री आ जाएगा, और इसके जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, कुछ अब करना नहीं, कुछ अब करना नहीं है, केवल और हमें केवल और केवल जो यहाँ पे था ये ले लिया है, चालों का मल्टी, चालों का मल्टीप्लाई कर दिया, पहले जो चाल थी उसको मल्टीप्लाई करके 3D अपान एक्स, इसी तरह से अगले वाले में भी करेंगे, 2D अपान एक्स माइनस 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा तो एक्स माइनस 2 आएगा, हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको जो है इसे हम सॉल्व करके यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि हमें पता हो गया इतनी जो है चाल, इतनी जो है चाल उसकी जो है रही होगी। अब देखिए, अब देखिए ये भी हम सॉल्व, ये भी हम सॉल्व कर ही लेते हैं, ये भी हम हटा ही देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा, 3D अपान x, x प्लस 3, x प्लस 3, हम लोग एक्सपर्ट हो गए हैं, अब हम इसको नहीं करेंगे, अब हम इसको डायरेक्ट बराबर 40, ये बराबर 40, ठीक है।
ठीक है, दूसरे वाले जब दूसरे वाले का समय निकालेंगे उसके भी उसमें आ जाएगा डी अपान एक्स माइनस टू बराबर चालीस, चालीस कम लग रहा था। तो यहाँ पे जो समय, यहाँ पे जो समय जो था टी वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे टी प्लस प्लस माइनस टी कर देंगे, माइनस टी कर देंगे तो पीटी कैंसिल हो जाएगा, चालीस बच जाएगा। ठीक है, इन दोनों के दाएं बराबर हैं, यही कर देते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं थ्री डी, थ्री डी अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं अपॉन डी अपॉन एक्स एक्स माइनस टू माइनस टू, डी कैंसिल कर देंगे, यहाँ से कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री एक्स माइनस माइनस सिक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा टू एक्स प्लस सिक्स आ जाए। तो देखिए अब थ्री में से टू थ्री में से टू जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे एक्स बच जाएगा, एक्स बराबर छह प्लस छह बराबर बारह की वैल्यू की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख दीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। डिस्टेंस कितनी है, एक्स की वैल्यू किसी किसी एक में रखिए, हम नहीं रखेंगे, इसमें रख रहे हैं। देखिए अब हम इस वाले समीकरण में रखेंगे तो हमें जो है तुरंत पता हो जाएगा कि क्या हमारा जो है आंसर हमारा जो है आंसर आने वाला है किसी एक में। देखिए हम पहले वाले में, हम पहले वाले में, पहले वाले में कहा था, पहले वाले में कहा था थ्री डी अपॉन एक्स की वैल्यू ट्वेल्व, एक्स की वैल्यू ट्वेल्व थी, थ्री इंटू डी अपॉन एक्स की वैल्यू जो थी वो ट्वेल्व थी, और बारह तीन होता है पंद्रह, बराबर जो होता है, बराबर जो होता है चालीस आ गया, चालीस समय, चालीस समय दिया था, समय जो है घंटे में है, ये वाली चीज सब घंटे में चल रही है, तो इसको हम मतलब मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर प्रति घंटे में, क्योंकि हमें किलोमीटर प्रति घंटे में हर चीज दिखी थी, अब ये मिनट में दिया, अब ये मिनट में दिया था, तो इसको घंटे में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, हम इसको इसलिए हम इसको घंटे में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे साठ, यहाँ पे साठ कर देते हैं तो ये चार बटे छह आ जाएगा, चार बटे कितना, चार बटे कितना आ जाएगा, छह आ जाएगा। अब ये चार बटे छह, चार बटे छह को हम उधर भेज देते हैं, तो डी वैल्यू हमने क्या लेंगे, डी वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे डी बराबर कितना आ जाएगा, चार बटे छह कर देंगे, गुणे कर देंगे बारह का गुणे पंद्रह से, पंद्रह पूरा कर देंगे थ्री, तीन का गुणा तीन का गुणा तीन पचे पंद्रह, का दो गुना छह का दो गुना होता है बारह, चार का दो गुना, चार का दो गुना होता है आठ, आठ का पांच गुना होता है चालीस, आंसर हमारा आ गया चालीस किलोमीटर। आंसर क्या आ गया, चालीस किलोमीटर, ऑप्शन नंबर फोर में दिख रहा है चालीस किलोमीटर, यही इसका जो है सही आंसर होगा। ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, अगला लेक्चर नेक्स्ट डे आएगा, लगे तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।